नाराज प्रत्याशियों ने नामांकन खारिज होने से डीएम कार्यालय पर दिया धरना। लोकसभा सीट के लिए नामांकन खारिज होने से नाराज प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ गुरुवार को डीएम कार्यालय पर धरना दिया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के लिए कुल 25 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच में 17 प्रत्याशियों की दावेदारी अवैध घोषित कर दी गई। इससे नाराज विभिन्न पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम आवास के सामने धरने पर बैठे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नारेबाजी किया। समर्थक अपने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे, जिस पर प्रशासन विरोधी नारेबाजी लिखे हुए थे। खास बात यह है कि सुबह से शाम तक धरने पर बैठे प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को समझाने के लिए भी कोई खास लोग नहीं पहुंचे। प्रत्याशियों ने कहा कि मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग को फैक्स से भेजी गई है। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों की ओर से दाखिल किए गए नामांकन पत्र की जांच में पूरी पारदर्शिता का ख्याल रखा गया है। जांच के दौरान सभी दावेदारों को बुलाया गया है, सबको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया था। न्यूज़लैंड्स के लिए अश्विनी की रिपोर्ट। दिक्कत है आपको, आपने धरना करने की वर्ती राष्ट्रीय जनसत्ता से हूँ, मारा शुक्ला नाम मेरा दिया गया है, जिसका आधार का शपथ पत्र का है जो पूरी तरह निराधार है। प्रस्तुत हुई है तो आरोप और वहाँ पे ऐसा उन्होंने हमारा नाम लिया और लेने उन्होंने जांच किया। जांच करने में कि सर आप जो 84 का सिग्नल ले लीजिए, हमसे वो शपथ उधर बैठिए, अभी मैं आपको बता। शपथ नहीं लिया और शपथ लिए जो 84 आधार बताया है, जिसके आधार है उसका हमने जो फॉर्म भी लगाया हुआ है, और साथ फिर भी इन्होंने कि शपथ आप नहीं लिए। फिर उसके बाद फिर से हमसे मैंने कहा था कि आप शपथ लीजिए, फिर उसके बाद वापस कि सर आप जो है के तहत जो शपथ लेने नहीं लिया और हमें जो ने नहीं प्रदान किया, तो उन्होंने सही है आप जाइए। दूसरे दिन कहा गया कि आप इसको कोई दिक्कत हो तो आपकी सुन ले। जब हम उपस्थित हुए हमसे कहे कि आपका आपने शपथ नहीं लिया है। कितने को हमने नामांकन पत्र प्रतिज्ञान उस पे शपथ पत्र रख लिया गया, इनकी पहले से पर्चा दाखिल न हो पाओ। और बताऊँ 16 तारीख जब इनका आवेदन उस आवेदन फार्म पे 25,000 रुपया दाखिला, उस पे एसडीएम साहब नहीं किया था। हम लोग कह रहे कि पहले स्टेटमेंट होगा, 3 दिन के बाद प्रत्याशी हैं, 3 दिन के तब उसके बाद इन लोगों का पर्चा जो है न। हम लोग 23 तारीख तक इन लोगों ने कहा आपका 8 बजे नेट पे डाल दी का पर्चा निरस्त किया है। सुबह हम ये लिए हमारे बोले कि जब आए तो दोपहर से बड़ा लेट हो गया, हम नहीं आ पाए। हम तक बैठे बोले 2:30 बजे सर जी हम आवाज पे भी जाना, हम आवाज पे हमें आज समय दे के ही मिले और यही समय बता हमारा सब कागज कम्प्लीट है। दी वेब वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरी अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है